तो हेलो माय टू फैमिली, तो कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ इस तरह के से एकदम खतरनाक पावरफुल फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। ठीक ना, आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं तो भाई कोई फेस पर मतलब हाईलाइटेड ऑयली मतलब फुल HD प्लस HDR में कोई तगड़ा सा एडिटिंग का वीडियो अलाउ। ठीक ना, तो आप लोग का भाई आप लोग के लिए ला चुका है। ठीक, क्या है कि आप लोग का सपोर्ट है। ठीक, इस वजह से आपका भाई सारा कुछ आप लोग का पूरा कर पा रहा है। ठीक ना, जैसे जल्दी से सब्सक्राइब ऐसे ही सब्सक्राइबर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और 10K सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट कीजिए। ठीक ना, तो मैं बता रहा हूँ मैं 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का रीज़न क्या क्या है, किस कारण से मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ। आप ही लोग का फ़ायदा होगा। ठीक ना, ठीक आप ही लोग का फ़ायदा होगा, मेरा नहीं, आप ही लोग का फ़ायदा होगा। ठीक, देखिए क्या करना है, हम लोग इस बार फोटो को देखिए, इस बार फोटो में आप खुद देखिए इसमें टेक्सचर का कुछ पता नहीं चल रहा। हेयर देखिए, हेयर देखिए इसमें किस तरीके से हम लोग जब फोटो खिंचवाते हैं तो कुछ इसी तरीके से हम लोग का हेयर हो जाता है और हम लोग ऑटोडे स्केचबुक में जाते हैं और बस खाली ब्रश चला के छोड़ देते हैं। तो ऐसा एडिटिंग नहीं करना। ठीक ना, हम लोग इसको हाई वॉल्यूम थोड़ा सा अप करेंगे, ऊपर साइड में कुछ इस तरीके से हाई वॉल्यूम ऐड करेंगे, टेक्सचर्स कुछ ऐड करेंगे हेयर में, फेस फेस पर हम लोग अच्छे से लाइटेड फोटो ऑयली, ठीक ना, लाइटेड फोटो ऑयली सॉफ्ट फोटो स्मूथ करना है। ठीक ना, मतलब सॉफ्ट फेस स्मूथ करना है। ठीक ना, ताकि देखिए कुछ इस तरीके से, किस तरीके से देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग खतरनाक एडिटिंग करने वाला है। ठीक ना, बिल्कुल बवाल तरीके से देखिए इसमें हेयर देखिए कितना अच्छे से टेक्सचर लगा है, ट्रांसपेरेंट कितने अच्छे से ट्रांसपेरेंट हुआ है उस सारे फोटो से। ठीक ना, फेस देखिए हम लोग कितना खतरनाक स्मूथ हुआ है, लिप्स देखिए कितना स्मूथ दिख रहा था। सारा कुछ आप लोग स्टेप बाई स्टेप बता रहे हो, तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ठीक ना, तो देखिए सारा कुछ आप लोग का प्रोसेस बता रहा हूँ, जैसे जैसे उस वाले फोटो को इस वाले तरह एडिट करने में हुआ है। ठीक ना, तो जल्दी से आप लोग चैनल को बस सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए और सारा कुछ सीखिए। ठीक ना, देखिए हम लोग स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। ठीक ना, ताकि आप लोग अभी समय वेस्ट ना हो। ठीक ना, देखिए तो हम इस तरह फोटो को सबसे पहले लेके चलेंगे ऑटोडेस्क स्केचबुक वाले एप्लीकेशन के अंदर। ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन बनाना है, लेयर वाले ऑप्शन पर आना है। लेयर वाले ऑप्शन पर आ जाने के बाद यहाँ पर देखिए लेयर का ऑप्शन है, लेयर वाले ऑप्शन यहाँ प्लस पर टाइप करना, प्लस पर जैसे ही टाइप कीजिएगा यहाँ पर एक लेयर बन जाएगा। ठीक ना, यहाँ पर जैसे ही लेयर बनेगा आप लोग यहाँ पर उसी लेयर पर टाइप करना है। ठीक, देखिए लेयर पर आ गए, प्लस वाले पर टाइप किया लेयर आ गया, फिर उसी लेयर पर टाइप किए, फिर ब्लेंडिंग मोड, यहाँ पर देखिए ब्लेंडिंग मोड देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। तो हम लोग इसका ब्लेंडिंग मोड क्या करना है, ब्लेंडिंग मोड क्या करना है, इसका मतलब ब्लेंडिंग मोड सॉफ्ट लाइट कर देंगे। ठीक, सॉफ्ट लाइट करने के बाद यहाँ से सब कुछ छोड़ देना है, हम लोग आना ऊपर के साइड में। ऊपर के साइड में आने के बाद देखिए क्या करना, हम लोग जैसे जैसे स्क्रॉल करेंगे फिर हम लोग देखिए यहाँ पर ये वाला चीज़ देखने के लिए मिलेगा, क्या चीज़, हार्ड एयरलाइन ब्रश देखिए ये वाला। ठीक ना, ये लेने के बाद फिर आप लोग बता रहा हूँ क्या करना है। ठीक, इसका सेटिंग देखिए कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक, आना है कलर वाला टूल पर, इसका कलर वाइट कर देना, कलर वाइट हो जाने के बाद हम लोग कुछ इस तरीके से अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। ठीक ना, कुछ इस तरीके से हम लोग फेस पर अप्लाई कर लेंगे। ठीक, तो आप लोग भी जल्दी से अपने फेस पर अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक, कुछ इस तरीके से अप्लाई कर लेना। ठीक ना, तो आप लोग भी अच्छे से हम अपने फेस पर अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक, देखिए इस कुछ इसी बवाल तरीके से हम लोग अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। हम देखिए इतना कुछ हो जाने बाद हम लोग को फिर से लेयर पर टाइप करना है, प्लस वाले पर फिर से टाइप करना है, फिर से लेयर बनाना है, फिर उसी लेयर को फिर से हम लोग उसका ब्लेंडिंग मोड सॉफ्ट लाइट कर देंगे। सॉफ्ट लाइट करने के बाद हम लोग कलर वाला टूल पाएंगे, यहाँ से रेड कलर ले लेंगे। ठीक ना, रेड कलर लेने के बाद फिर से हम लोग देखिए ब्रश वही रहेगा। ठीक ना, अपने लिप्स पर चलाएंगे। ठीक, कुछ इस तरीके से हम लोग अपने लिप्स को सॉफ्ट में सॉफ्ट कलर लेना। ठीक ना, सॉफ्ट कलर लेकर हम लोग कुछ इस तरीके से अपने लिप्स पर चला लेना। ठीक, और चलाने के बाद थोड़ा सा हम लोग इसका ओपेसिटी को हम थोड़ा सा हम लोग कम कर देंगे। ठीक ना, तो कम करने के बाद देखिए क्या करना है, यहाँ से हल्का सा हम लोग को कम करना ताकि ज़्यादा ना लगे। ठीक ना, कुछ इस तरीके से इतना कुछ होता है, यहाँ से फोटो को सेव करेंगे और चलेंगे स्नैपसीड वाले एप्लीकेशन के अंदर। अब देखिए स्नैपसीड वाले एप्लीकेशन के अंदर दो प्रोसेस करना है। ठीक ना, तो वो चीज़ आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक ना, फेस को हाईलाइटेड वाइट प्लस सॉफ्ट स्मूथ और ऑयली बनाने के लिए देखिए सारा कुछ प्रोसेस बता रहा हूँ, वीडियो की स्किप मत कीजिएगा। टूल्स वाले ऑप्शन पर टोनल कंट्रास्ट पाना है, यहाँ से डन कर देना, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना। इतना होने के बाद आना है डिटेल्स पर, थोड़ा सा शार्पनेस को इंक्रीज कर लेंगे, यहाँ से डन कर लेंगे। अब यहाँ से हम लोग फोटो को शेयर करेंगे लाइट रूम वाले एप्लीकेशन के अंदर, इस वाले फोटो को शेयर करेंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ से लाइट वाले ऑप्शन पाएंगे, लाइट रूम वाले एप्लीकेशन के अंदर देखिए कैसे कैसे का मतलब बता रहा हूँ, जो जो प्रोसेस बता रहा हूँ वैसे वैसे कीजिएगा, ऑयली स्मूथ सॉफ्ट लाइट के साथ। ठीक ना, फुल HD में एडिटिंग होगा। ठीक, कॉन्ट्रास्ट को देखिए कितना करना है, 10 के रेंज में। हाईलाइट को थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज करेंगे 15 के ही, 10 से मतलब 10 के ही रेंज में रखिएगा। ठीक, शैडो को थोड़ा सा कम कर लेंगे। ठीक ना,
तो शेडो को थोड़ा सा कम कर लेना, ठीक। वाइट को हल्का सा कम करना है। कलर वाले ऑप्शन पाना है, मिक्स वाले आप आना है, हल्का सा सेचुरेशन कम करेंगे रेड वाले कलर का। आप लोग देख लीजिए कितना कर रहा हूँ मैं, ठीक ना। फिर फोटो के हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक। इतना होने के बाद हम लोग आएंगे रेड वाले कलर के बगल में, इसका सेचुरेशन कम करेंगे, ठीक। लुमिनेंस को इंक्रीज़ करें, देखिए ज़्यादा वाइट हो गया, सफ़ेद दिखने लगा। तो इस टाइप से नहीं करना, थोड़ा सा ऑयली करना है। तो देखिए इसका रेंज बनाना पड़ता है, देखिए कुछ इस तरीके से। इतना हो जाने के बाद हम लोग येलो वाले कलर का सेचुरेशन बढ़ा लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक ना। फिर लुमिनेंस को भी बढ़ा लेंगे इसके, ठीक। फिर आएंगे हम लोग ब्लू वाले कलर पर कुछ इस तरीके, इसका थोड़ा सा इसका भी थोड़ा सा हम लोग सेचुरेशन को बढ़ा लेंगे, ठीक ना, कुछ इस तरीके से। इतना कुछ हो जाने के बाद यहाँ से हम लोग फोटो को, इतना हो जाने के बाद इफेक्ट वाला अपनी क्लियरिटी को थोड़ा सा, ठीक ना, डीएच को हल्का सा, डिटेल्स पाना है हल्का सा, शार्पनिंग को। फिर नीचे आना आप लोग कलर नॉइज रिडक्शन में, ठीक है। यहाँ पर आने को हल्का सा डिटेल्स, हल्का सा स्मूथनेस, बस इतना हो जाने बाद यहाँ से हम लोग फोटो को शेयर करेंगे कहाँ पर, ऑटोडेस्क स्केचबुक वाले एप्लीकेशन के अंदर। अब हम लोग देखिए ऑटोडेस्क स्केचबुक वाले एप्लीकेशन के अंदर आएगा। फिर ब्रश वाला टूल पाना है। फिर आप लोग यहाँ पर देखिए स्मज, स्मज का यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए आप लोग को ये वाला ब्रश, ठीक ना, ये वाला ब्रश लेना है। इस वाले ब्रश का सेटिंग कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक ना, सेटिंग कुछ इस तरीके से रहेगा। अब देखिए हम लोग को स्मूथ करना है, ठीक ना। हम लोग यहाँ से फेस को अच्छे से स्मूथ कर लेना, ठीक। अभी आप लोग को हेयर रेटिंग बताने वाला हूँ, ठीक ना। देखिए कुछ इसी तरीके से स्मूथ कर लेना है। हम इसी वाले ब्रश से एकदम ऑयली स्मूथ करेंगे, ठीक ना। देखिए कुछ इस तरीके से स्मूथ कर लेना। आप लोग भी अपने फोटो को जल्दी से स्मूथ कर लीजिएगा, ठीक ना। तो वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता इसलिए मैं जल्दी से कर लेता हूँ। देखिए सब कुछ वही है, फेक वीडियो नहीं है, सब कुछ वही है। देखिए एकदम ऑयली स्मूथ करने के लिए परफेक्ट ब्रश है। आप लोग यूट्यूब पर चेक भी कर लीजिएगा, ये ब्रश बहुत ही मतलब बहुत फेमस ब्रश है, ठीक ना। इसे बिंदास एकदम ऑयली स्मूथ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइज़ का प्रॉब्लम आता है तो मेरा व्हाट्सअप पर जाकर आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ठीक ना। देखिए कुछ इस तरीके से करना है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल ऑयली स्मूथ होगा, देखिए ना। थोड़ा सा यहाँ पर साइज़ को बड़ा करेंगे, साइज़ को बड़ा करके कुछ इस तरीके से स्मूथ करेंगे, ठीक ना। देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग अपने गर्दन पर स्मूथ करेंगे, ठीक। देखिए बिल्कुल ऑयली स्मूथ होगा इस वाले ब्रश से, देखिए बिल्कुल खतरनाक तरीके से ऑयली स्मूथ होगा हम लोग का फोटो, ठीक ना। अब देखिए क्या करना है, फिर इसके आगे बता रहा हूँ। अब देखिए स्मूथ हो जाने के बाद हम लोग चलेंगे फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर। हम लोग का फोटो स्कैन हो रहा है, ब्लर वाले पर टैप करेंगे, ठीक ना। ब्लर वाले पर टैप करने के बाद हम लोग अपने मॉडल के फोटो पर टैप करेंगे कुछ इस तरीके से। इसका साइज़ हम लोग छोटा कर लेंगे, ठीक ना। अपने मॉडल के फोटो को साइज़ छोटा करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक। फिर हम लोग बैकग्राउंड में टैप करेंगे, बैकग्राउंड में टैप करने के बाद एडजस्ट पर आएंगे, ठीक ना। इसका हम लोग वार्थ को एकदम -100 कर देना है, वार्थ को -100 कर देना ताकि हम लोग का बैकग्राउंड थोड़ा सा मतलब पीला हो जाए, ठीक है, कुछ इस तरीके से मतलब ब्लू हो जाए, ठीक। फिर सेचुरेशन को हम लोग को बढ़ा लेना है, यहाँ से फोटो को सेव करना है। हम लोग इस वाले फोटो को ऑटोडेस्क स्केचबुक वाले एप्लीकेशन के अंदर लेकर चलेंगे। तो मैं आप लोग को अपना सेक्रेट ब्रश और सेटिंग बताने वाला था, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। आप लोग को ब्रश वाला टूल पाना, ठीक। ब्रश वाला टूल पाने जाने के बाद आप लोग यहाँ पर देखिए आर्टिस्ट पे आना है। आर्टिस्ट पे जाने पर देखिए आप लोग को ये चीज़ देखने के, ये वाला ब्रश देखने के लिए मिलता होगा, ठीक ना। तो ये वाला ब्रश का सेटिंग देखिए मैं परफेक्ट बनाया, ठीक। तो इस वाला सेटिंग का आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, ठीक ना। साइज़ को अपने हिसाब से देखिए आप लोग के हेयर में ऊपर के साइड में कुछ इस तरीके से ब्रश को चलाना, ठीक ना। अभी आप लोग बता रहा हूँ भी टेक्सचर कैसे लगाना, सारा कुछ बता रहा हूँ। आप लोग बस जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, 10K सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को जो इतना ब्रश चलाना पड़ रहा है ना, ये सब चलाने की आवश्यकता ना पड़े। आप लोग बहुत ही कम टाइम में अच्छे से को भी खतरनाक तरीके से हेयर एडिटिंग कर सके, ठीक ना। एकदम ऐसा चीज़ ला रहा हूँ, ठीक ना। तो उस चीज़ का रिव्यू मैं जल्दी देने वाला हूँ, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके 10K सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट कीजिए। देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग को ब्रश चला लेना है, ठीक ना। मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूँ। अब देखिए ये वाला ब्रश चला लेने के बाद आप लोग को ऊपर के साइड में आना है, ठीक ना। ऊपर के साइड में आ जाने के बाद देखिए आप लोग ये वाला ब्रश लेना है। कौन सा ब्रश लेना है? आप लोग स्थैतिक पेंट बना, ठीक। आप लोग स्थैतिक पेंट बनाने के बाद देखिए ये वाला ब्रश लेना, ठीक। अब ये वाला ब्रश का सेटिंग देखिए कुछ इस तरीके से रहेगा, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक। इस वाला ब्रश देखिए थोड़ा सा इसका साइज़ हम लोग बड़ा कर लेंगे, ठीक ना। साइज़ को बड़ा करने में देखो इस वाले ब्रश को हम लोग कुछ इस तरीके से चलाएंगे, ठीक है। बिल्कुल खतना से बिल्कुल रियल हेयर एडिटिंग सिखाने वाला आपका भाई मिस्टर फोर्ड डिजाइन, ठीक है। बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट दिखाते हैं। जब जल्द अब आप लोग को जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। देखिए आप लोग हेयर एडिटिंग बहुत समय लग जाता होगा, ब्रश चलाना फिर टेक्सचर लगाना, ठीक ना। तो उस चीज़ का आप लोग का भाई प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आ चुका, ठीक ना। तो आप लोग जैसे 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट करते हैं उसका मैं रिव्यू दे दूंगा, ठीक ना। जल्दी से आप लोग 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए। देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग को ब्रश को चला लेना, ठीक। अब देखिए आप लोग को करना खाइए। अब लोगों को टेक्सचर लगाने के लिए क्या करना है, टेक्सचर लगाने के लिए आप लोगों को आना है ब्रश वाला टूल पाना है।
ब्रश वाला टूल पर आ जाने के बाद देखिए आप लोगों डिजाइनर माना ठीक ना, डिजाइनर में आ जाने के बाद देखिए आप लोगों को यहाँ पर दो ब्रश दिख रहा होगा, ये वाला दो ब्रश ठीक ना। यही दो ब्रश हम लोग खतरनाक तरीके से हेयर एडिटिंग करने वाले हैं ठीक। देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये वाला ब्रश ले लेंगे ठीक। इस वाले ब्रश को लेने के बाद यहाँ से हम लोग कलर इसका ब्लैक कर लेंगे ठीक ना, कलर ब्लैक कर लेना ठीक। और कुछ इस तरीके से इधर के साइड में सबसे पहले चलाना, ये वाले ब्रश को सबसे पहले हम लोग को नीचे के साइड में चलाना ठीक ना, कुछ इस तरीके से इस वाले ब्रश को नीचे के साइड में चला लेना ठीक। आप लोग हेयर एडिटिंग बहुत ही बारीकी से बताने वाला मिस्टर भाई, आपका भाई मिस्टर फोटो डिजाइनर ठीक ना। तो बस आप लोग चैनल को 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट करना। देखिए जब आप लोग अच्छे से कीजिएगा ठीक ना, हम लोग को बहुत टाइम चल जाएगा, आधा घंटा 1 घंटा 45 मिनट कुछ इस तरीके से आप लोग का टाइम चल जाएगा हेयर एडिटिंग करने में ठीक ना। तो उसका भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आ चुका भाई आपका मिस्टर फोटो डिजाइनर ठीक ना। तो जल्दी से आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करें, 10K सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट कीजिए। इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बस आप लोगों को कितना 10 से 5 मिनट के अंदर में आप लोग खतरनाक हेयर एडिटिंग करना सीख जाइएगा ठीक ना। ज़्यादा टाइम लगेगा, बस 10 से 5 मिनट के अंदर आप लोग एकदम खतरनाक हेयर एडिटिंग एकदम रियल टेक्सचर के साथ आप लोग एडिटिंग करना सीख जाएगा ठीक ना। देखिए कुछ इस तरीके से इतना हो जाने बाद फिर आप लोग आना नीचे वाले में ड्रीम ब्रश, ड्रीम ब्रश को लेने के बाद देखो अभी इसको ऊपर के साइड में चलाना है कुछ इस तरीके से ठीक ना। जैसे जैसे हम लोग ब्रश चलाना बस इस तरीके से आप लोग ऊपर के साइड में ब्रश को चला लेना ठीक ना। बस आप लोग जल्दी से 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए, फिर आप लोग को पूरा रिव्यू देता हूँ जी। देखिए एक एक टेक्सचर लगाना पड़ रहा है, अगर एक टेक्सचर इधर उधर हिल जाएगा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो फिर से रिमूव करके फिर से लगाना पड़ेगा ठीक ना। तो उसी में टाइम आप लोग का बहुत चल जाता होगा, उतना सारा प्रॉब्लम को फेस नहीं करना है ठीक। आप लोग आपका भाई मिस्टर फॉर सॉल्यूशन लेके आ चुका है ठीक ना। बस आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए ताकि मैं आप लोग को रिव्यू दे सकूँ ठीक ना। तो जल्दी से 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए, तो हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए जय हिंद जय भारत, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लीजिएगा। देखिए बिल्कुल बवाल तरीके से आपको भाई हेयर एडिटिंग सिखा दिया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।